ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 का आगाज एक बार फिर से हो रहा है और इसको लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। खैर, पाकिस्तान को एक बार फिर आईपीएल को लेकर इतनी जोरदार मिर्ची लगने वाली है जिसे सुनकर या देखकर हर कोई हैरान है और खुद पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आईपीएल 2021 में जब पहला एडिशन चला था वहां पर कोरोना काल की वजह से आईपीएल को स्थगित कर दिया गया। उस वक्त साउथ अफ्रीका पाकिस्तान दौरे पर गया हुआ था और आईपीएल के शुरू होने के बाद पाकिस्तान का दौरा बीच में ही छोड़कर साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए चले आए। इससे पाकिस्तान को एक करारा झटका लगा था। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा अपमान है। उन्होंने इसके बारे में आईसीसी से भी शिकायत की थी और पाकिस्तान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आईपीएल पतन कर रहा है, लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़कर आईपीएल खेलने जा रहे हैं, ये वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन जब आईपीएल 17 अगस्त 2021 से फिर से शुरू होने वाला है तो इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा बवाल फिर से पैदा हो गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है और अब इस बारे में पाकिस्तान का क्या कहना है, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आईपीएल 2021 के वापस शुरू होने को लेकर काफी ज्यादा खुश है और इसको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। इस बार आईपीएल 2021 कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन आइए जानते हैं आखिर पाकिस्तान को आईपीएल फिर से शुरू होने पर मिर्ची क्यों लग रही है और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। हम आपको बता दें कि पिछली बार साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम एक कश्मकश में फंसी हुई थी कि आईपीएल खेले या फिर पाकिस्तान के सामने, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सामने ये सवाल फिर आकर खड़ा हो गया और इसके बारे में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने खुद क्या कहा है आइए जानते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि पाकिस्तान दौरे के साथ मेल खाने वाली आईपीएल की तारीखों ने एक अनूठी चुनौती हमारे लिए पेश की थी। हमने हमेशा आईपीएल के बारे में यही सोचा कि हमारे लिए एक विशिष्ट मुद्दा बनकर सामने आया है। हमने परिस्थितियों को समझा और फिर फैसला लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा अनुबंध कीवी क्रिकेट में कोई भी बांग्लादेश या पाकिस्तान सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने सभी आईपीएल खिलाड़ियों को 19 सितंबर से शुरू होने वाले लीग खेलने के लिए हरी झंडी देने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बांग्लादेश पाकिस्तान के दौरे पर उन खिलाड़ियों को नहीं चुना जो आईपीएल टीमों का हिस्सा रहने वाले हैं। केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और लॉकी फर्ग्यूसन सहित कई टीम के खिलाड़ी आईपीएल में दिखाई देंगे। पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शंस तो वाकई में हैरान करने वाले होंगे। पाकिस्तान तमाम तरह की बयानबाजी करेगा। जब साउथ अफ्रीका ने इस तरह का फैसला किया तब शाहिद अफरीदी ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पतन हो रहा है और आईपीएल पर बड़ा फैसला लेना चाहिए, आईपीएल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट की वैल्यू खत्म कर रहा है। कहीं ना कहीं जब आईपीएल को वरीयता दी जाती है पाकिस्तान के सामने खेलने की बजाय तो मिर्ची तो लगनी स्वाभाविक है और दूसरे में पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल भी नहीं खेलते हैं तो यहां पर पाकिस्तान को जलन तो होने ही वाली है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।